हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको सिकल टेस्ट के बारे में। सिकल सेल क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं सिकल सेल होता क्या है। सिकल सेल एक हेरिडेटरी या जेनेटिक डिसीज है जिसमें आरबीसी का सेप जो है चेंज हो जाता है, और इसमें क्या रहता है, आरबीसी का जो सेप है क्रिसेंट मून सेप का हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में बोले तो आधे चांद की तरह या हाशिए के आकार का दिखाई देने लगता है। जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके लक्षण और डॉक्टर इस टेस्ट को कब करवाने के लिए बोलते हैं। इसके लक्षण मैं बता देता हूँ आपको। स्प्लीनोमेगेली रहेगा, कार्डियोमेगेली रहेगा, हेप्टोमेगेली रहेगा, एब्डोमन पेन रहेगा, एंड इसका मोस्ट जो रहेगा इन्फेक्शन रहेगा, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। तब ये जो सब सिम्टम्स देख कर डॉक्टर आपको इस टेस्ट के करवाने के लिए एडवाइस करेंगे। ये जो टेस्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों मेथड से होता है। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको रैपिड टेस्ट के बारे में, किस तरीके से करते हैं। चलिए दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। ये अपने पास किट, लेटरल फ्लो डिवाइस, सेकंड है प्री ट्रीटमेंट बफर, थर्ड है कैपिलरी सैम्पलर। टेस्ट करते हैं स्टार्ट। क्रोमेटोग्राफी पर वर्क करता है। अभी रखता हूँ इनको अभी एक साइड। किट को निकालता हूँ बाहर, इस तरीके से फाड़ के मैंने निकाल लिया है। ये रखी किट को बाहर। इसके लिए हमको सैंपल लेना पड़ेगा 5 माइक्रोलीटर सैंपलर से। ये मैंने लिया इस तरीके से फिंगर को प्रिक करने के बाद। ये जो है इसमें दो कैप है, ग्रीन और वाइट। इसको दोनों को कर लेता हूँ ओपन। 5 माइक्रोलीटर जो सैंपल लिया इसमें करेंगे इस तरीके से डिजोल्व अच्छी तरीके से। फिर करते हैं इसको टाइटली कैप, ये कर दिया। इस करने के बाद इसको करते हैं 3 बार मिक्स। इस तरीके से 3 बार कर लिया मैंने मिक्स। ग्रीन कलर के कैप को करते हैं ओपन। ये जो है क्रोमेटोग्राफी पर काम करता है डिवाइस, जिसको किट बोलते हैं। इसमें 5 ड्रॉप अपन इसमें इस तरीके से ऐड करेंगे। ये कर दिया। ऐड करने के बाद इसमें जो आपको बैंड दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट है कंट्रोल, सेकंड HbA, थर्ड है HbS, फोर्थ है HbC। थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाई देता है, दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये जो है नॉर्मल HbA जो रहेगा नॉर्मल रहेगा, कैरियर रहेगा HbAS, डिसीज वाला जो रहेगा HbSS, एंड HbSC जो रहेगा डिसीज वाला है। तो इस तरीके से टेस्ट प्रोसीजर हुआ अपना कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो आपके पास शेयर करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।